उत्तर प्रदेश के महोबा में अब अपराधियों का गण बन चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपराधिक वारदातों को रोकने में नाकाम बनी हुई है, तो सरकार की निष्क्रियता व जिम्मेदारों की चुप्पी आपराधिक वारदातों को गति देने का कार्य कर रही है। आज हालात ऐसे हैं कि देश की आबरू महिलाएं, बेटियां, जनता, पत्रकार, कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज फैला हुआ है। ऐसा कहना कोई अतिसंयोगित नहीं होगी, बल्कि ऐसा ही नज़ारा प्रकाश में आया है उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के भरवारा गांव में, जहां हवस के भूखे भेड़ियों ने एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म कर मुंह काला किया है। आपको ज्ञात हो कि शौच क्रिया को गई एक महिला से दबंगों ने सामूहिक रेप किया है। वह 3 घंटे जंगल झाड़ियों में भेड़ियों की तरह उसे नोचा और काटा गया है। वह मूर्छित होने पर छोड़कर धमकी देकर दबंग भाग गए हैं। रात्रि से लेकर अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि पुलिस की घोर निष्क्रियता की ओर संकेत कर रही है। पुलिस की निष्क्रियता की चर्चाएं महोबा में आम हो चुकी है। इस तरह महोबा में जनता अपने आप को पुलिस की निष्क्रियता, सरकार की अनदेखी व जिम्मेदार प्रदेश के उच्च अफसरों के ढूल मूल रवैया के चलते असुरक्षित महसूस कर रही है। महिला द्वारा गंभीर आरोप कहां तक सत्य है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। क्या नाम है आपको? कहाँ के हो? भरवारा। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? हमें तो मालूम नहीं घटना कहाँ है। काम पे गई थी। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? देवकी। कहाँ के हो? भरवारा। क्या घटना हुई है? गलत काम भाव है, पकड़ लेगा गुंडा। कौन कौन? मान सिंह और धीरन शर्मा। कहाँ के थे? गाँव के। वो थाने में रिपोर्ट की? हाँ। कब से हुआ? 7 बजे के 11 बजे लग कर रहा था। दिन नशा उतरा मारा तरह काटा तरह सब शरीर में काटू से पकड़ सकता रहा। पुलिस क्या बोल रही? शाम के कच्चे खुजी। शाम कब की घटना है जी? 11 बजे में भाव, 12 बजे, 1 बजे तो या पा रहा था। एप्लीकेशन दिए थाने में? थाने में शिकायत की? हाँ। क्या बोल रहे साहब? सब चीज़ें बड़े दुख रहा लगता है।